पे बड़ा ही प्रॉब्लम है यार ये, मतलब ऑटो वाला हर कोई मुझे आके पूछता है कि हम घुमाते हैं आपको पूरा सिटी, तो बार बार ना बोलने को भी इरिटेट होता है यार। मतलब कैसे ना बोले, इतने अच्छे से वो पूछते हैं, बट क्या करें, मुझे आदत है खुद से एक्सप्लोर करने की। आई सॉ दिस एंड सॉ दिस, आई वेंट टू दिस, आई वेंट टू दिस सेरेमनी टुडे, I went to the ceremony. Dancing. Yes, yes, yes. Yesterday I went to the ceremony. I saw the hair of Buddha. Everything. This not Buddha. It's a Hindu ceremony. Hindu ceremony. Dancing. Taking pictures. Yeah. I'll just go by myself. Thank you very much. No. This is only once a year sale today. Okay. You give 100 rupees. Your friend come. You want to see. Don't buy something, you take pictures in the today exhibition. Thank you very much. 50 rupees give, 50 rupees go and add 50 rupees give. Still on the rupee, I saw you, you want to take pictures. I'll just give you money, but I don't want no, to. No, no problem, no, don't give money. Yeah. I can help you. Yeah. Today's exhibition, 50% discount, you give something, your mama, your... Actually, this is my second day, while going back, I'll be purchasing. Don't buy something. You give 50 rupees, you look. Take a pictures, nice pictures. It's a beautiful. Just in the coverage there is. You like this, then you see. Take pictures. I come back. Just give me your number. I will be here only. Okay, you come. You come. Take a pictures. I 50 rupees. Why not? I can help you now. Yeah, yeah. Thank you for the help. But I will be exploring this street. So give me your number. After exploring, sure. I'll call you. Okay. Sure, okay. Sure. Then you can drop me there. Okay. No 77. Just a minute. भाई यहाँ के ऑटो वाले तो पीछे पड़ जाते हैं, मतलब बहुत ही, जब आप एकदम नॉर्मली घूमते हो तब एक्चुअली सीवियरिटी समझ में आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगते हैं। वो बंदा मुझे बोल रहा था कि 50 रुपये दे दो, सिर्फ 50 श्रीलंकन रुपीज़, विच इज़ लाइक नॉट इवन 10 रुपीज़, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एंड वैसे पैसे ही नहीं ले रहा था, वो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है यहाँ का। यहीं पे फोर्ट एरिया में मैं घूम रहा हूँ, यहाँ का जो प्राइम एरिया है आप उसे बोल सकते हो। यहाँ पे सारे नेवी हेडक्वार्टर्स, प्रेसिडेंट का हाउस एंड जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस है यहाँ पे है, बड़े बड़े होटल्स भी इसी एरिया में। अगर आप श्रीलंका में आ रहे हो तो आप, मतलब जो जहाँ पे भी होटल लोगे, तो ट्राई टू मेक श्योर दैट योर होटल शुड बी इन दिस एरिया ओनली। सो यहाँ से सारी चीज़ें एक्सेसिबल है बहुत इजीली, दैट इज़ गुड थिंग। काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। अभी मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ एंड ऑटो जो स्टैंड है वहाँ से मुझे गुजरना पड़ेगा, फिर से वही चालू होगा। एक बंदा मुझे पूछ रहा था कि आपको मसाज पार्लर जाना है क्या। यार उनको ऐसा क्यों लगता है कि लोग सिर्फ मसाज के लिए, घूमने के लिए, मसाज करने के लिए श्रीलंका आते हैं या मसाज करने के लिए दुबई आते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस माइंडसेट, बट इट्स ओके, हम बदल नहीं सकते इस चीज़ को। बहुत सारे लोग आते भी हों। वो बंदा फिर से मुझे मिल गया यार, उसको थोड़ा सा बिजनेस दे ही देता हूँ। जाते टाइम बस से, विदाउट बस से, बस से नहीं जाता बट उसके साथ ही चला जाता हूँ। ठीक है यार, 100-200 रुपये गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। एंड ये जो मेरे पीछे आप टावर देख सकते हो, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, काफ़ी अच्छा बनाया है। एंड उसके एग्जैक्ट सामने दिस इज़ अ डच पब, जो मतलब नाइट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दिस इज़ बैंक ऑफ सिलोन। तो वो बंदा बोल रहा था रेड फोर्ट छोड़ता हूँ, तो उसके साथ रेड फोर्ट ही चले जाता हूँ। शायद आ गया। विल यू ड्रॉप मी रेड फोर्ट, रेड मॉस्क? यस श्योर। ओके। आई सॉ यू रेड मॉस्क।
take pictures. After you go to the today, don't forget this chance. Today, this just this take me to Red Fort. Okay, no problem. You show 5 minutes, yeah, they give it me 1 liter gasoline free. You are looking 5 minutes, you can help me. Okay. So, wait. Instead, how far that place is? 10 minutes. 10 minutes. Yeah. And how much you are charging? 50 rupees you give, no problem. Okay. Give me, take me to the festival directly. Okay. Get back to me, sir. Okay. Understood. No problem, sir. You are married? No, I am not married. I would buy something today, 50% once a year. Same, 50% discount. Today, once a year, you buy something, your daughter, your sister, something. If I buy, then what will they give you? Gasoline, 1 liter, gasoline, 2 liter. Okay, it like even if I visit, they will give you 1 liter. Yeah. Okay, and if I purchase, then 2 liters. Yeah. Okay. What is the rate of gasoline here now? 450 rupees. 450. Yeah. Okay. That next means time 250. Next time. Now high price. Okay, understood. जो पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है लगभग 450 हो गई है, मतलब इंडिया के 100 रुपए जितनी इंडिया में। तो सीन ऐसा है कि भाई साहब मुझे एक फेस्टिवल में, जैसे कल भी हुआ था, तो एक फेस्टिवल में लेके जा रहे हैं। ये बहुत जेन्युइन बंदा लग रहा है। उसने मुझे बताया कि वहाँ पे विजिट किया तो उनको 1 लीटर गैसोलीन फ्री मिलता है, तो इसलिए मैं मतलब उसके साथ जा रहा हूँ यार। अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि लोगों को लेके आओ एंड पेट्रोल फ्री में लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल का अभी भी बहुत ज़्यादा स्केरसिटी है, महंगा भी बहुत ज़्यादा है इनके हिसाब से। तो देखते हैं, अगर कुछ सस्ता होगा तो कुछ परचेज भी कर लेंगे, तो इनको 2 लीटर गैसोलीन मिल जाएगा। देखते हैं, सस्ता होगा तो एंड छोटी चीज़ होगी तो। Is it a mall or what? Have mall. Okay. You want to buy swimming mask, camping mask, or? Yeah. I saw you. Because I am traveling to Jaffna, na, so I cannot carry a lot of weight. Something swimming mask, I think swimming mask. Okay. I saw you today. Okay. What is your name? I forgot. Gresham. Okay. Nice name. Yeah. Okay. Your brother, your sister, with something. Okay. Like small. भाई मुझे एक ज्वेलरी शॉप में ले गया है, पता नहीं क्या। हेलो। आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। ब्यूटीफुल शॉप। बंदा मुझे एक ज्वेलरी शॉप में लेके गया। उन्होंने बोला कैमरा अलाउड नहीं है, ठीक है, तो बोला चलो कैमरा बंद कर देते हैं। उसके बाद ज्वेलरी शॉप में क्या ही होगा, तो बहुत सारे स्टोन्स थे, पता नहीं ओरिजिनल है या झूठे हैं, तो पता नहीं लगा। इतने रुपए का स्टोन, 10,000 श्रीलंकन, 15,000 श्रीलंकन रुपीज, इट डिपेंड्स ऑन कैरेट टू कैरेट वगैरह। तो वो बंदा बेचारा एकदम, जो ऑटो था, ऑटो वाला था, बहुत इनोसेंट था, तो उसने मुझे सीधे सीधे बोल दिया था कि मुझे पेट्रोल मिलेगा अगर कोई चीज़ परचेस की तो अलग कर ही लेते यार परचेस, क्योंकि वो डायरेक्टली पैसे तो नहीं ले रहा था। एंड फिर 1500 रुपये का मैंने कुछ ज्वेलरी परचेस कर लिया। एक स्टोन है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ ओरिजिनल और फेक,
एक छोटा सा पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, एकदम छोटा है, 1500 श्रीलंकन रुपीस मतलब इंडियन रुपीस हो गए वो 300 रुपये का खर्चा मैंने कर लिया एंड 100 श्रीलंकन रुपीस उसको दे दिया। काफ़ी खुश हो गया था यार, बहुत प्रॉब्लम में है इकोनॉमी, बाहर से हम देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है बट नहीं, एक्चुअली अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं एकदम नीचे वाले जो लोग हैं वो, एंड यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इनोसेंट है, बहुत हैप्पी है, मतलब फ्री की कोई चीज़ लेना नहीं चाहते। अगर आप मतलब पहले श्रीलंका में आने का प्लान बना रहे थे बट बिकॉज ऑफ क्राइसिस आपने वो प्लान कैंसिल किया होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डू विज़िट टू श्रीलंका, ब्यूटीफुल कंट्री। आपको मतलब ऐसे चीज़ें पसंद नहीं है, फेस्टिवल लेके जाएंगे वगैरह, इट इज़ काइंड ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मैं स्कैम तो नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, तो आप समझ जाना ये आपको कहाँ लेके जाने वाले हैं, तो पोलाइटली आप ना बोल सकते हैं उनको, दैट्स इट। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा उस बंदे की हेल्प करके, क्योंकि उसको 2 लीटर डीजल मिल जाएगा वीक में, इनको पर गाड़ी के अगेंस्ट, ऑटो के अगेंस्ट 5 लीटर डीजल मिलता है, एंड 5 लीटर डीजल में एक वीक कैसे सर्वाइव करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसे यही ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच यहाँ तक मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए, डू सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो लोगों के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।